हाय स्टूडेंट्स, इस चेकलिस्ट में हम कवर करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव्स एंड एक्स रेज। मॉडर्न फिजिक्स में हम ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कवर कर चुके हैं, साथ ही ये टॉपिक भी एसोसिएटेड है एटॉमिक स्ट्रक्चर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, जिसमें कई तरह के क्वेश्चन जेई मेन और जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। ऑल दो नीट की हम बात करें तो बहुत थोड़ा सा सेक्शन काम आएगा, बट जेई मेन जेई एडवांस में बहुत यूजफुल है। जेई एडवांस में स्पेसिफिकली जो रेडिएशन प्रेशर का कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा यूज होता है। ऑल दो आई एम गोइंग टू कवर अप ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द टॉपिक, स्टे ट्यून्ड। सारे कॉन्सेप्ट को आप पैरेलल चेकलिस्ट फॉर्म में अपने शॉर्ट नोट्स में बनाते चलें। क्विक रिवीजन के लिए दिस इज द बेस्ट वे आउट, एंड सारी रिवीजन चेकलिस्ट से आपको मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी। और मैं जैसा पहले बता चुका हूँ, मॉडर्न फिजिक्स में मैं चेकलिस्ट में सारी चीज़ें इलैबोरेटेड फॉर्म में कवर कर रहा हूँ, ताकि अगर आपने कोई टॉपिक ढंग से इन डिटेल नहीं भी किया है तो भी आपको हेल्प मिले और ये सारी चीज़ें इस चेकलिस्ट से आप डेवलप कर सकें। इन पैरेलल आई वुड सजेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप कॉन्सेप्ट्स के शॉर्ट नोट्स बना लें और इस चेकलिस्ट के साथ मैप करें। दिस गोइंग टू एक्सट्रीमली हेल्प यू इन बिल्डिंग योर ऑल द कॉन्सेप्ट जिन पे बेस्ड क्वेश्चन या तो आ चुके हैं या आने वाले किसी भी जेई या नीट एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चेकलिस्ट ऑफ मैटर वेव्स एंड एक्स रेज। सो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट इस चेकलिस्ट में हमें कवर करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स फ्रॉम अ लाइट सोर्स। अगर हम एक लाइट सोर्स की बात करें, वी नो वेल फॉर अ सोर्स ऑफ लाइट हमेशा सोर्स की पावर डिफाइन की जाती है, से इफ द सोर्स पावर इज पी वॉट, इसका मतलब इस सोर्स में से कितनी लाइट एनर्जी निकल रही है, दैट इज पी जूल इन वन सेकेंड। और अगर इस लाइट सोर्स से जो भी फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पैकेट्स एमिट हो रहे हैं, अगर वेवलेंथ ऑफ फोटोन लिमडा गिवन है, इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन दिस सिचुएशन इज इक्वल्स टू एच सी बाई लिमडा। यानी एक फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लिमडा और टोटल इसमें से एनर्जी निकल रही है पी जूल पर सेकेंड। सो इफ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड एमिटेड फ्रॉम द सोर्स, दिस नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड कैन बी रिटन एज पी डिवाइडेड बाई एच सी बाई लेमडा, क्योंकि पी टोटल एनर्जी निकल रही है और एक फोटॉन की एनर्जी एच सी बाई लेमडा, सो द रेशियो गिव्स द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, सो दिस गिव्स पी लेमडा बाई एच सी, दैट्स वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड। कई बार जो सोर्स होता है इट इज़ नॉट अ पॉइंट सोर्स, हमको पहले से पता है पॉइंट सोर्स में स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं जो आगे ट्रेवल करते रहते हैं। सो जैसे जैसे वेव फ्रंट बड़ा होता जाएगा, जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं वो स्कैटर होते जाएंगे, उनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, दूर दूर होते जाएंगे, दैट मीन्स फोटॉन डेंसिटी विल डिक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट में मैं अलग से फोटॉन डेंसिटी कॉन्सेप्ट कवर करूंगा। यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, दैट इज फोटॉन फ्लक्स, पॉइंट नंबर टू यहीं पर ही हम लेते हैं। दिस फोटॉन फ्लक्स इन अ लाइट बीम, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आगे हम जब रेडिएशन प्रेशर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो फोटॉन फ्लक्स समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है विच इज़ एमिटिंग अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक टॉर्च है, मैंने इस टॉर्च को स्विच ऑन किया, जस्ट बाई स्विचिंग इट ऑन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज एमिटेड फ्रॉम द सोर्स एंड से द सोर्स पावर इज पी वॉट, दैट मीन्स द लाइट इज एमिटिंग पी जूल ऑफ एनर्जी इन वन सेकेंड। और अगर यहाँ पे वेव लेंथ ऑफ लाइट इक्वल्स टू लेमडा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितने निकलेंगे, दैट इज पी लेमडा बाई एच सी। अगर यहाँ पे इस लाइट बीम का एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया जाए तो एक क्रॉस सेक्शन एक सर्किल में इंटरसेक्ट करेगा इस बीम को, एंड दिस सर्कुलर एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस लाइट बीम। अब जब इसमें से फोटॉन्स निकल रहे हैं, सो द नंबर ऑफ फोटॉन्स विच आर पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया is termed as photon flux. So if the area of this cross section is S, then here we can write photon flux. Photon flux is denoted by the term phi p, and this given as number of photons per unit time emitted from the source divided by the area. This gives us p lambda by h c s, where P by S is the intensity of light. Already आप waves में पढ़ चुके हैं, light intensity is given as the power of light beam per unit area. So P by S is the light intensity. So photon flux can be given as I lambda by
एच सी. दिस इज वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड. बेसिक कॉन्सेप्ट है टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स आप याद रखेंगे पी लेमडा बाई एच सी, और फोटोन फ्लक्स आप याद रखेंगे आई लेमडा बाई एच सी. ये दोनों टर्म्स आगे कई जगहों पे काम आने वाली है. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे फोटोन डेंसिटी. अभी हमने निकाला था फोटोन फ्लक्स, दैट इज नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. सो यहाँ पे सेम केस हम देखते हैं और उसी केस से हम फोटोन डेंसिटी के रिजल्ट पे आएंगे. डायरेक्ट रिजल्ट काम का है, लेकिन मैं ये भी समझा रहा हूँ आपकी रिजल्ट निकला कैसा है, क्योंकि वैरायटी ऑफ केसेस में दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. अगर एक हमारे पास पावर सोर्स है, टॉर्च है, विच इज एमिटिंग लाइट एट अ पावर ऑफ पी वॉट, और जो गिवन यहाँ पे बीम है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं एस है. सो इन दिस सिचुएशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो फोटोन फ्लक्स पास होगा, ये फोटोन फ्लक्स फाई पी वी कैन राइट एज आई लेमडा बाई एच सी, और इंटेंसिटी कैन बी रिटर्न एज पी बाई एस, यानी पी लेमडा बाई एच सी एस. सो दिस इज द फोटोन फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू एंड दिस नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. अगर हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमको ये देखना है कि यहाँ पे 1 meter by 1 meter का अगर एक क्यूब कंसिडर किया जाए तो इस क्यूब में कितने फोटोन्स होंगे. तो डायरेक्ट रिलेशन आपको ध्यान रखना है, फोटोन डेंसिटी इज गिवन एज फोटोन डेंसिटी इन अ लाइट बीम. दिस रो एन यू कैन राइट, and this photon density you can write as photon flux divided by c. ये कहाँ से आया, इसका direct relation है जो photon flux है वो per unit area number of photons crossing, और 1 meter travel करने में जो time लगेगा photons को लगेगा 1/c, c is the speed of light. आप इन डेप्थ डेरिवेशन देखना चाहते हैं पीजी बुक में या कॉन्सर्ट वीडियो से देख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट इज दिस रिलेशन फाइव पी बाई सी. सो दिस वी कैन राइट एज आई लेमडा बाई एच सी स्क्वायर. ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है. कई बार पॉइंट सोर्स की वजह से फोटोन डेंसिटी की जरूरत पड़ती है. इफ देर इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हैविंग पावर पी वॉट, सो पॉइंट सोर्स से जो फोटोन्स निकलते हैं वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो हमने अभी बात करी थी. जैसे जैसे दूर होते जाते हैं फोटोन्स के बीच का सेपरेशन कम होता जाता है. अगर यहाँ से x डिस्टेंस पे देखें तो x रेडियस का जो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और इस वेव फ्रंट पे अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखें, दिस गिवन बाई फी पी बाई 4 pi x square. जो स्फेरिकल वेव्स की इंटेंसिटी होती है ऑलरेडी आपने वेव्स में पढ़ी है. सो अगर हमें ये निकालना है कि यहाँ पे 1 meter by 1 meter के जो वॉल्यूम है, क्यूबिकल रीजन है, इस क्यूबिकल रीजन में कितने फोटॉन्स हैं, सो दिस फोटोन डेंसिटी रो एन कैन बी गिवन एज आई लेमडा बाई एच सी स्क्वायर. सो दिस पी लेमडा बाई 4 pi x square एच सी स्क्वायर. ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है. सो दिस क्वाइट यूजफुल. सेम यू कैन कैलकुलेट दिस फोटोन डेंसिटी फॉर अ सिलेंड्रिकल लाइट सोर्स लाइक अ ट्यूबलाइट और एनी गिवन केस. आप डायरेक्ट फॉर्मूला आई लेमडा बाई एच सी स्क्वायर यूज कर सकते हैं. ये आगे बढ़ते हैं. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ बात करेंगे वेव पार्टिकल डुअलिटी की, दैट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट. जब हम लाइट की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असेस द एग्जैक्ट नेचर ऑफ लाइट, बिकॉज लाइट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेव करती है. लाइट के दो नेचर होते हैं, आप आई थिंक अर्ली क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं. वेन वी टॉक अबाउट नेचर ऑफ लाइट, लाइट के दोनों नेचर के बारे में अलग अलग एविडेंसेस अवेलेबल हैं. वन इज द पार्टिकल नेचर एंड अदर इज द वेव नेचर. व्हेन वी टॉक अबाउट वेव नेचर तो लाइट का एक कैरेक्टरिस्टिक हम डिफाइन करते हैं, दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट. जब भी वेव नेचर की बात होगी तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कस किया जाएगा. लाइट विल बी ट्रीटेड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसकी एक वेवलेंथ लेमडा की बात की जाती है. जब भी पार्टिकल नेचर के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पे लाइट को क्या करेंगे, एक फोटोन की तरह से ट्रीट करेंगे. लाइट इज कंसिडर्ड एज अ फोटोन, और ये भी माना जाता है कि फोटोन के अंदर इट हैज़ मोमेंटम, क्योंकि पार्टिकल नेचर की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, अ पार्टिकल वन इन मोशन इट हैज़ इनर्शियल कैरेक्टर मोमेंटम.
सो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में लाइट के दोनों बिहेवियर ऑब्जर्व होते हैं, कई केसेस ऐसे हैं जिसमें दोनों बिहेवियर भी ऑब्जर्व होते हैं। बहुत ज़्यादा थ्योरी इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे, ना ही हमारे सिलेबस में, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइट को अगर वेव नेचर की तरह से ट्रीट किया जाए तो जो इसकी वेवलेंथ होती है, यही वेवलेंथ उस लाइट के जब भी किसी केस में पार्टिकल नेचर की तरह से उसको एनालाइज करना हो तो उसके मोमेंटम के कैलकुलेशन में काम आती है। सिमिलरली किसी एक्सपेरिमेंट में जब पार्टिकल का मोमेंटम या लाइट का मोमेंटम मेजर किया जाता है एक्सपेरिमेंटली, सो मोमेंटम मेजर करके उससे हम उस लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द टू इफ वी जस्ट गेट इन टू इट। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, हम यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा सिर्फ लाइट की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल पार्टिकल, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट पार्टिकल, फोटोन्स एंड लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं फिजिकल पार्टिकल या डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, जो मैं अगले पॉइंट में लूंगा। यहाँ पे मैं डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डुअल नेचर ऑफ लाइट की। लाइट के दो नेचर हैं, पार्टिकल और वेव। वेव नेचर की कैरेक्टरिस्टिक है वेवलेंथ, पार्टिकल नेचर की कैरेक्टरिस्टिक है मोमेंटम, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। सो बाय रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जब हम बात करते हैं, बाय और डायरेक्टली वी कैन राइट बाय रिलेटिविटी थ्योरी, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ लाइट पार्टिकल्स या लाइट फोटॉन्स लिख सकते हैं अपन, आर रिलेटेड एज। जब हम पार्टिकल नेचर की बात करें, ये पूरा नेचर रिलेटिविस्टिक थ्योरी के साथ आता है। जब हम बात करते हैं रिलेटिविटी थ्योरी से, एनर्जी और मोमेंटम जो रिलेट किया जाता है लाइट फोटॉन्स के लिए, ये दिया जाता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी टू पावर फोर। यहाँ पे दिस द फॉर्मूला फॉर एनी पार्टिकल। लेकिन जब लाइट फोटॉन्स की बात करते हैं तो लाइट फोटॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, फॉर फोटॉन्स रेस्ट मास इज जीरो, फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। और यहाँ पे जो एम बात कर रहे हैं आप, एम नॉट भी लिख सकते हैं, दिस दी रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, फिजिकल पार्टिकल का रेस्ट मास जो भी है वो इस एक्सप्रेशन में डाला जाता है अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थ्योरी। बट यहाँ पे जब फोटोन्स के लिए बात होगी तो एम नॉट जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फॉर फोटोन्स, दिस इम्प्लाइज फॉर फोटोन्स ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू पी सी। और फोटोन्स की जो एनर्जी होती है, फोटोन्स की एनर्जी को वी कैन राइट एच सी बाई लेमडा, विच गिव्स पी इज इक्वल्स टू एच बाई लेमडा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर इट इज गिवन एज पी सी, अकॉर्डिंग टू वेव नेचर लाइट फोटोन की एनर्जी होती है एच सी बाई लेमडा। अब लाइट तो भाई एक ही है, चाहे उसका एनर्जी पार्टिकल नेचर के फॉर्मूले से कैलकुलेट करो या वेव नेचर के फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, तो जो रिलेशन बिटवीन लाइट मोमेंटम एंड वेवलेंथ निकल के आता है वो एच बाई लेमडा आता है, या इसको वाइस वर्सा लेमडा इक्वल टू एच बाई पी कह सकते हैं। बट यहाँ पे हम जो रिलेशन लगा रहे हैं ये सिर्फ लाइट के बारे में बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट मैं अब लेने वाला हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे फिजिकल पार्टिकल्स को वेव की तरह ट्रीट किया जा सकता है। दैट वाज अ हाइपोथेटिकल अजम्पशन मेड बाय डी ब्रोगली, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। बट जितने भी क्वेश्चन लाइट फोटोन्स के बारे में आएंगे तो आपको ध्यान रखना है, फॉर फोटोन्स मोमेंटम एंड वेवलेंथ इज रिलेटेड बाई दिस एक्सप्रेशन, नॉट फॉर पार्टिकल्स एज ऑफ नाउ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पोजी प्लीज क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट, इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ फिजिकल पार्टिकल्स। दैट वॉज एन अजम्पशन बाई लुइस डी ब्रोगली, वॉट ही एनालाइज। इस टाइम तक अगर हम बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन की जो थ्योरी थी रिलेटिविटी, उससे प्रूव हो चुका था कि जो लाइट पार्टिकल्स हैं उनमें मोमेंटम होता है, या लाइट आल्सो बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। सो अगर लाइट, विच इज एक्चुअली इट वाज ट्रीटेड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और अगर ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो डी ब्रोगली ने अज्यूम किया तो पार्टिकल भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह से ट्रीट किए जा सकते हैं और बिहेव कर सकते हैं। इट वाज अ वियर्ड अजम्पशन, बट इसने क्या किया, इसने आइंस्टीन का जो रिलेशन था फॉर लाइट जो निकाला गया था, फॉर लाइट वेवलेंथ इज गिवन एज एच डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ
फोटॉन्स, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि लाइट फोटॉन्स की वेवलेंथ और मोमेंटम इज रिलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन. सो ही अज्यूम कि अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के बावजूद पार्टिकल की तरह से बिहेव कर रही है, तो एक्चुअल जो फिजिकल पार्टिकल्स हैं वो फिजिकल पार्टिकल्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे बिहेव कर सकते हैं. एंड ही अप्लाइड एन अजम्पशन फॉर फिजिकल पार्टिकल्स wavelength as lambda is equals to h upon momentum of a particle. There is no derivation of this relation. Just try to understand. De Broglie ने जो ये formula था light के momentum और wavelength का, इसको as it is उठा के particle की wavelength calculation में use कर लिया instead of any derivation. What De Broglie did, उसने assume किया कि ये formula क्योंकि लाइट के मोमेंटम के लिए है तो पार्टिकल के मोमेंटम पे भी लगा सकते हैं. एंड यू नो व्हाट हैपेंड, ये फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से जिसका कोई डेरिवेशन नहीं था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, दिस वाज अ हाइपोथेटिकल अजम्पशन. इस फॉर्मूले से जो पार्टिकल की, जो एक्चुअल फिजिकल पार्टिकल मूव कर रहे हैं उनकी जो वेवलेंथ निकल के आई, इससे बहुत सारे अनआंसर्ड अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन हो गए. आई एम नॉट गेटिंग इन टू द डेप्थ. एक केस मैं ले चुका हूँ जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया था कि अगर एक एटम के अंदर या हाइड्रोजन एटम के अंदर किसी ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन की जाए तो इलेक्ट्रॉन को वे मान के बोर सेकेंड पोस्टुलेट डिराइव हो जाती है. नॉट ओनली दैट, और बोर की पोस्टुलेट थी विच वॉज एक्सपेरिमेंटली एनालाइज, देर वॉज नो डेरिवेशन, बट इस फॉर्मूले के आने के बाद एक डेरिवेशन मिल गया जो बोर के एक्सपेरिमेंटल पोस्टुलेट को एक्सप्लेन कर रहा था. इस तरह से बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस आ गए जिन एक्सप्लेनेशन से ये पता चला कि जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनके रिजल्ट इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन हो रहे हैं और डिराइव हो रहे हैं. सो दिस फॉर्मूला बिकेम पॉपुलर एंड डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस टिल डेट इट इज कंसिडर्ड एज अ हाइपोथेसिस, क्योंकि हाइपोथेटिकली डिड्यूस हुआ था. बहुत सारे केसेस सामने आ गए हैं, इनके फिजिकल एविडेंसेस सामने आ गए, बट द स्टार्ट वाज विद एन हाइपोथेटिकल अजम्पशन कि अल्बर्ट आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी को फर्दर डी ब्रोगली ने क्या किया, इसने डायरेक्ट उठा के पार्टिकल्स पे लगा दिया. तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है आपके पास. अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम है, वेवलेंथ निकालनी है, आप ये यूज़ कर लीजिए, और अगर एक लाइट की वेवलेंथ है उसका मोमेंटम निकालना, ये यूज़ कर लीजिए. अब एप्लीकेशन हम लेते हैं. डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आएंगे, सिर्फ ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे that you need to keep in mind. I've explained you more in theory ki how this relation was deduced by De Broglie. Aiye aage badhte hain further applications ke upar, that's more important. Poji please clear karo. Thank you Poji. So student, next point hum yahan pe baat karne wale hain radiation pressure ki, which is a very important concept. JEE advanced mein to bahut questions puche ja chuke hain, JEE main mein bhi kabhi kabhi questions aate hain. NEET point of view se bahut important nahi hai, magar dimag mein rakhna hai kyunki JEE main ke questions repeat ho sakte hain aur fundamental knowledge pe based questions hain. So already hum abhi previous topic mein padh chuke hain dual nature of light ki, agar maan le hamare paas ek photon hai और फोटोन इज हैविंग अ वेवलेंथ लेमडा, यानी इस फोटोन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ है वो लेमडा है, तो इस फोटोन में मोमेंटम होता है एच बाई लेमडा, दैट्स व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ हम यहाँ पे एक पावर सोर्स की बात करते हैं विच इज़ अ पावर पी वॉट, इसमें से रेडिएशन निकल रहा है और एक बॉडी के ऊपर गिर रहा है. क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए यहाँ पे एस है बीम का, सो इस सरफेस के ऊपर एस एरिया में ये लाइट गिर रही है, और अगर हम यहाँ पे इस सरफेस को ब्लैक बॉडी मान लें तो आप ये कह सकते हैं इफ इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी तो जितना रेडिएशन इस पे गिरेगा पूरा रेडिएशन ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी जितना मोमेंटम इस लाइट में वो पूरा का पूरा मोमेंटम इस बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बॉडी चलना शुरू हो जाएगी, और लगातार लाइट गिर रही है इसका मतलब लगातार मोमेंटम आ रहा है, और पर सेकेंड जितना मोमेंटम बॉडी में जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इस बॉडी पे उतना फोर्स लग रहा होगा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स एक्सर्टेड. रेट मींस पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितना मोमेंटम इस बॉडी में एब्जॉर्ब होगा उतना इस बॉडी पे फोर्स लगेगा. सो ड्यू टू दिस लाइट दिस बॉडी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट विच इज ड्यू टू रेडिएशन. जो रेडिएशन गिर रहा है उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा. अब ये फोर्स होगा कितना हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. फोर्स ऑन बॉडी और यू कैन राइट रेडिएशन फोर्स ऑन बॉडी, तो ये फोर्स हम लिख सकते हैं
नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई मोमेंटम ऑफ वन फोटोन. जस्ट चेक आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि फोर्स होगा मोमेंटम पर सेकेंड. एक सेकेंड में जितने फोटॉन्स गिरेंगे उसको एक फोटोन के मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम पर सेकेंड आ जाएगा. सो इन दिस केस नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितना होगा भाई, दिस पी लेमडा बाई एच सी एम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और मोमेंटम ऑफ वन फोटोन इज एच बाई लेमडा. हियर एच गेट्स कैंसल्ड आउट, लेमडा गेट्स कैंसल्ड आउट, दिस गिव्स पी बाई सी. हियर पी इज कैपिटल पी दिस पावर, और ये स्मॉल पी मोमेंटम है, ये ध्यान रखिएगा. सो इन दिस केस जो रेडिएशन फोर्स है, दिस रेडिएशन फोर्स इज गिवन एज पी डिवाइडेड बाई सी. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड कि अगर पी पावर का सोर्स की पूरी पावर एक बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है तो कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, दैट इज पी बाई सी. दैट्स वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड. इस चीज को जस्ट आपको दिमाग में रखना है, नथिंग मच इज देयर टू बी कैप्ट इन माइंड. दिस अ बेसिक फेनोमेना जो आपके दिमाग में रहे, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो रेडिएशन फोर्स के इसी एक ही क्वेश्चन से या एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं. कई बार इसमें वेरिएशन आता है कि जो सरफेस है वो ब्लैक बॉडी ना होकर रिफ्लेक्टिव होती है, तो मैं एज अ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उस चीज को कवर कर लेता हूँ. आइए देखते हैं. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट्स थोड़ा सा मॉडिफाई किया हमने सिचुएशन को. यहाँ पे हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिव सरफेस के बारे में. एक मिरर है जिसपे पी वॉट के पावर सोर्स की रेडिएशन बीम इंसिडेंट हो रही है. सो जितने फोटॉन्स यहाँ इंसिडेंट होंगे वो सारे, क्योंकि रिफ्लेक्टिव सरफेस है, टकरा के रिफ्लेक्ट होंगे. यानी जिन फोटॉन्स में राइटवर्ड मोमेंटम था, फोटोन मोमेंटम ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, दिस पी इज स्मॉल पी इज गिवन एज एच बाई लेमडा. सो ये जो फोटोन मोमेंटम था वो रिवर्स होगा, यानी जिस बॉडी से टकरा के ये फोटॉन्स रिवर्स हो रहे हैं उस बॉडी में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि रिटर्न हो रहे हैं तो हर फोटोन का मोमेंटम चेंज हो जाएगा 2h/λ, क्योंकि h/λ गया, h/λ वापस आया यानी नेगेटिव हो गया, तो व्हेन यू कैलकुलेट चेंज इट विल बी ट्वाइस. सो इस मिरर पे अब जो रेडिएशन फोर्स लगेगा, दिस रेडिएशन फोर्स विल बी रिटर्न एज ट्वाइस ऑफ कैपिटल पी बाई सी. कैपिटल पी इज द पावर ऑफ द पावर सोर्स. अगर ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मोमेंटम एब्जॉर्ब हो रहा है पर सेकेंड वही फोर्स है, तो वो था कैपिटल पी बाई सी. बट रिफ्लेक्टिव सरफेस के केस में जो फोर्स लगेगा वो डबल लगेगा. दिस इज द थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल केस वी आर गोइंग टू यूज. प्रैक्टिकली थोड़े से वेरिएशन होते हैं ओलंपियड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ. यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है, कई बार ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिव नहीं होती है सरफेस. इफ इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर हमको गिवन है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0.6 है और एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे 0.4 गिवन है, तब हमको कैलकुलेट करना है कि रेडिएशन फोर्स कितना लगेगा. सो इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 0.6 इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जिसकी वजह से डबल हो रहा है मोमेंटम चेंज, वेयर 0.4 इज द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है. तो इस केस में हम क्या लेके चलेंगे, हम ये लेके चलेंगे 0.4 टाइम्स पी बाई सी इज द मोमेंटम चेंज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, और जो रिफ्लेक्शन हो रही है लाइट उसकी वजह से जो एडिशनल फोर्स लग रहा है, दिस ट्वाइस ऑफ 0.6 पी बाई सी. आई होप दिस क्लियर टू यू, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसकी वजह से मोमेंटम चेंज है 0.4 टाइम्स पी बाई सी, क्योंकि पी बाई सी इज द टोटल मोमेंटम पर सेकेंड. ब्लैक बॉडी होता है पूरा फोर्स बन जाता, रिफ्लेक्टिंग है तो डबल हो गया. पर इतना सा ध्यान रखना है, 0.4 एब्जॉर्ब हो रहा है, 0.6 रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो टोटल रेडिएशन फोर्स विल बी गिवन एज 1.2 प्लस 0.4, दिस विल बी 1.6 पी बाई सी. दैट्स वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड. इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 0.4 है, रिफ्लेक्शन 0.6 है, इसका मतलब टोटल मोमेंटम आया कितना, पी बाई सी, और 0.6 रिफ्लेक्ट हुआ, तो पी बाई सी में से 0.6 पीछे गया है, तो चेंज कितना हुआ, पी बाई सिक्स माइनस ऑफ माइनस 0.6 पी बाई सिक्स, डायरेक्टली यू कैन से इट इज 1.6 पी बाई सी. दैट्स वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड. कुछ केसेज मैं और ले रहा हूँ जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट द फोर्स ड्यू टू अ रेडिएशन बीम और प्रेशर ड्यू टू अ रेडिएशन बीम, तो आप एरिया से डिवाइड करके निकाल सकते हैं. इस तरह के केसेस कुछ और मैं लेता हूँ ताकि हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें एंड विल प्रोसीड फर्दर. आइए आगे बढ़ते हैं. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू पोजी.
सो स्टूडेंट इन कॉन्टिन्यूएशन एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ रेडिएशन प्रेशर या रेडिएशन फोर्स का करेंगे, दैट इज रेडिएशन फोर्स ड्यू टू ऑब्लिक इंसिडेंस। आप देखें एक मिरर है जिसके ऊपर एक लाइट बीम इंक्लाइंड या ऑब्लिक इंसिडेंट होती है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। अगर पावर पी वॉट है सोर्स में तो यहाँ पे जो मोमेंटम पर सेकेंड की हम बात करते हैं अभी हमने डिस्कस किया था, दिस इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाई सी। अगर ब्लैक बॉडी होता तो ये पूरा मोमेंटम एब्जॉर्ब होता और इस डायरेक्शन में पी बाई सी फोर्स लगता। बट बीइंग अ मिरर अगर रिफ्लेक्शन हुआ इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इस डायरेक्शन में फिर से पी बाई सी मोमेंटम पर सेकेंड रिफ्लेक्ट होके जाएगा। सो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो पी बाई सी का जो साइन थीटा है वो कंपोनेंट अनचेंज रहेगा। इंसिडेंट लाइट में भी वर्टिकल मोमेंटम उतना ही था, रिफ्लेक्टेड लाइट में भी वर्टिकल मोमेंटम उतना ही है। बट अगर हॉरिजॉन्टल मोमेंटम या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल देखा जाए तो आप ये देख सकते हैं इस पे अलोंग द राइटवर्ड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली मोमेंटम होगा। इफ दिस एंगल इज थीटा दिस थीटा दिस पी बाई सी कॉस थीटा, और रिफ्लेक्शन क्या होता है इस पी बाई सी का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम होगा पी बाई सी कॉस थीटा, यानी नेट चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू रिफ्लेक्शन आएगा पी बाई सी कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस पी बाई सी कॉस थीटा, यानी इस सरफेस पे जो रेडिएशन फोर्स लगेगा वो राइटवर्ड लगेगा एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी कॉस थीटा बाई सी। दिस वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड। अगर एब्जॉर्प्शन होता तो इस डायरेक्शन में पी बाई सी लगता, दोनों कंपोनेंट होते। रिफ्लेक्शन के केस में सरफेस या मिरर के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा दैट इज टू पी कॉस थीटा बाई सी, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। आइए कॉन्सेप्ट और करते हैं यहाँ पे। पोजी प्लीज क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो अब हम बात करेंगे जब रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं वेदर इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड और बीइंग रिफ्लेक्टेड, इन एनी केस उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है। सो अलग अलग ऑब्जेक्ट अगर एक रेडिएशन बीम के पाथ में रखे जाएं सो कैसे हम उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। ज़्यादातर केसेस सारे ब्लैक बॉडी वाले ही आपके जेई मेन और नीट में काम आएंगे। एडवांस में कुछ अलग केसेस हैं जिनकी डेप्थ सिर्फ इलस्ट्रेशन से आपको कवर करनी है, जो पीजी वॉल्यूम 4 बुक में मिल जाएगी या कॉन्सेप्ट वीडियोस में भी मिल जाएगी। यहाँ पे हम इन डेप्थ कवरेज नहीं कर रहे हैं, बट जेई मेन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें हम टेकअप कर रहे हैं। सो अगर हमारे पास ये मान के चलते हैं कि एक लाइट बीम है विच हैज़ एन इंटेंसिटी आई, आई इंटेंसिटी की लाइट बीम है और लाइट बीम के पाथ में मान लेते हैं हमारे पास एक स्फेयर रखा गया है, दिस इज अ ब्लैक बॉडी स्फेयर। जिसका रेडियस आर है, तो ये जो रेडिएशन बीम है जब इस स्फेयर पे गिरेगी तो आप ये कह सकते हैं कि इस स्फेयर की जो क्रॉस सेक्शनल डिस्क होगी दिस ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी इस पूरी बीम के पाई आर स्क्वायर एरिया में से जितनी लाइट निकलेगी वो इस स्फेयर पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे पावर कैलकुलेट करें, अगर ये पावर पी है तो पावर इंसिडेंट ऑन स्फेयर क्या होगी, पावर इंसिडेंट ऑन स्फेयर डायरेक्टली इट कैन बी गिवन एज पी इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। आई इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी द पावर विच विल इंसिडेंट ऑन द स्फेयर। इफ इट इज मेड अप ऑफ ब्लैक बॉडी तो पूरी पावर इसमें एब्जॉर्ब होगी और इस पर जो रेडिएशन फोर्स होगा ये होगा हमारे पास पी बाई सी। सो दिस कैन बी रिटन एज आई पाई आर स्क्वायर बाई सी, ये आपको ध्यान रखना। इंस्टीड ऑफ स्फेयर अगर यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ होता लाइक दिस, इफ दिस इज अ सिलेंडर विच इज़ ऑफ बेस रेडियस आर एंड हाइट एच, और यही रेडिएशन बीम इस पर गिर रही होती और दिस ऑल्सो मेड अप ऑफ अ ब्लैक बॉडी, तो इसके ऊपर कितना रेडिएशन फोर्स होता आप निकाल सकते हैं। आई थिंक ऑल द स्टूडेंट हु आर वॉचिंग दिस वीडियो माइट हैव ऑब्टेन्ड द आंसर। इस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस होगा जिसमें से लाइट इस पर गिरेगी या क्रॉस सेक्शनल प्रोजेक्शन कहें तो आप ये कह सकते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल प्रोजेक्शन एक रेक्टेंगल होगा जिस रेक्टेंगल की हाइट होगी h और इसकी बेस लेंथ होगी 2r, यानी 2rh एरिया में जितनी लाइट इंसिडेंट हो रही है वो इस सिलेंडर पे गिरेगी। सो डायरेक्टली आप रेडिएशन फोर्स लिख सकते हैं I मल्टीप्लाइड बाय 2rh डिवाइडेड बाय c, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लैक बॉडी सिलेंडर, बिकॉज ब्लैक बॉडी पे सारा का सारा रेडिएशन गिरता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। रिफ्लेक्टिंग केस अलग है, ऑल्दो स्फीयर के लिए मैं आपको बता देता हूँ
एक नोट भी आप लिख सकते हैं, इन केस ऑफ स्फीयर व्हाट एवर मे बी द नेचर वेदर इट इज रिफ्लेक्टिंग एब्जॉर्बिंग पार्टली रिफ्लेक्टिंग पार्टली एब्जॉर्बिंग इन एवरी केस द फोर्स रिमेन्स सेम. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू कीप एज एन इम्पॉर्टेंट नोट. द फोर्स ऑन स्फीयर इज सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सर्फेसेस. आप कैसी भी सर्फेसेस ले लें, इन केस ऑफ अ स्फीयर द फोर्स रिमेन्स आई पाई आर स्क्वायर बाई सी. इस चीज को ध्यान रखिएगा, बट द सेम इज नॉट वैलिड फॉर द केस ऑफ अ सिलेंडर और एनी अदर ऑब्जेक्ट. लाइक सेम रिजल्ट आएगा अगर मैं यहाँ पे कोन ले लेता हूँ. अब देखें, अगर एक कोन इस तरह से राइट सर्कुलर कोन को रख दें जिसका रेडियस आर है, हाइट एच है, एंड दिस ऑल्सो मेड अप ऑफ ब्लैक बॉडी, और इस पर रेडिएशन गिर रहा है जिसकी लाइट इंटेंसिटी आई है, तो इसके ऊपर कितना रेडिएशन फोर्स लगेगा? आई होप ऑल ऑफ यू कैन गिव. क्योंकि अगर इस तरीके से कोन रखा गया है तो जो प्रोजेक्शन होगा वो पाई आर स्क्वायर ही होगा. द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बीम through which light will incident onto this cone is pi r square only. So radiation force is same I pi r square by c. This is what we are going to use. अगर cone को vertically रख दिया जाए, यानी ऐसे रख दिया जाए, तो क्या होगा? तो in that case ये r है, तो base length 2r होगी और height h है. So this will be having a projection of a triangle. तो in this case अगर यही light intensity इसके ऊपर गिरती है तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन होगा वो एक ट्रायंगल का मिलेगा जिसकी बेस लेंथ 2r होगी और हाइट h होगी. तो रेडिएशन फोर्स कैन बी गिवन एज दिस, आई कैन राइट एज i मल्टीप्लाइड बाय rh बाय c. सो यू नीड टू बी केयरफुल फॉर ऑल सच केसेस. जो ट्रायंगल का एरिया दैट विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज. सो फॉर ऑल टाइप ऑफ ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन लेना है बीम की सरफेस के या बीम की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन में, मल्टीप्लाइड विद द इंटेंसिटी ऑफ बीम टू गेट द पावर इंसिडेंट. और पावर आ जाती है तो पी बाई सी इज द फोर्स एक्जर्टेड बाय रेडिएशन ऑन अ ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट. ओनली इन केस ऑफ स्फीयर, नेचर ऑफ सरफेस कैसी भी हो, रिजल्ट सेम रहता है. इसका डेरिवेशन आप चाहें तो पीजी बुक में या कॉन्सेप्ट वीडियोस में दिए गए हैं. यू जस्ट गो थ्रू द डेरिवेशन कि कैसे एक रिफ्लेक्टिंग स्फीयर में भी रिजल्ट सेम रहता है, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. आइए आगे बढ़ते हैं. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो फोटोन मोमेंटम का एक और एप्लीकेशन है जिसपे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज रिकॉलिंग ऑफ एन एटम ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन. द टॉपिक इज रिलेटेड विद द प्रीवियस चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, डायरेक्टली इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट फोटोन मोमेंटम का, इसलिए हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक हाइड्रोजन एटम की, ऑलरेडी हम हाइड्रोजन एटम के एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन के बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बातें कर चुके हैं. अगर इस हाइड्रोजन एटम में ये देखा जाता है कि एन इक्वल्स टू फोर से एन इक्वल्स टू टू में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, तो आप बता सकते हैं कितनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा? आई होप मेनी ऑफ यू आर एबल टू इंस्टेंटली रिकॉल. यस, इट इज 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा इसके अंदर, यहाँ से एक फोटोन एमिट होगा. सिंगल फोटोन एमिट होता है एक ट्रांजिशन में, और इस फोटोन की एनर्जी डेल्टा ई होगी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसकी वेवलेंथ भी निकाली जा सकती है 12431 डिवाइडेड बाई 2.55 एंगस्ट्रम. ये डायरेक्ट चीज़ें हम ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर चेकलिस्ट में कर चुके हैं. सो अगर हमारे पास फोटोन की वेवलेंथ है, इसका मतलब इस फोटोन में कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा. और इनिशियली अगर हम बात कर रहे हैं कि ये वाला हाइड्रोजन एटम इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियली एट रेस्ट था, सो इन दैट केस इट इंडिकेट्स टोटल मोमेंटम इस हाइड्रोजन एटम का जीरो था. और अगर इसमें से एक फोटोन निकला है तो सर्टेनली इसको रिकॉइल करना पड़ेगा, बिकॉज फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम हैज टू बी जीरो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियली रेस्ट पे था और कोई पार्टिकल इसमें से फायर होता है तो इट हैज टू रिकॉइल. यानी हम ये मानते हैं कि ये एटम पीछे रिकॉइल करेगा विद द रिकॉइल वेलोसिटी वी आर. अगर इसकी रिकॉइल वेलोसिटी वी आर है तो इसका जो रिकॉइल मोमेंटम होगा पी आर, आप लिख सकते हैं दिस एम वी आर, वेयर एम इज द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम. सो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम
Here we can write mvr has to be equals to h by lambda. क्योंकि h by lambda photon में momentum होगा, तो इसका momentum और photon momentum बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों opposite direction में हैं, तो दोनों का sum zero initially भी rest पे था. So this directly gives us the recoil velocity of the hydrogen atom, which is h by m lambda. चाहे result ध्यान रखें, चाहे process ध्यान रखें, it is important to understand the concept. यहाँ से आपके पास रिकॉयल वेलोसिटी आ जाती है, जो अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट होती है. ये कहें किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए रिजल्ट आपके लिए करेक्ट ही लिया जाएगा और करेक्ट ही माना जाएगा. मैं अप्रॉक्स वर्ड इसलिए बोला हूँ क्योंकि जब मैं ओलंपियाड लेवल पे कुछ केसेस क्लासेस में डिस्कस करूँगा, या आप अगर फिजिक्स गैलेक्सी बुक में जाके देखेंगे तो इसका रीज़न मिल जाएगा, क्योंकि ओलंपियाड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एनर्जी का माइन्यूट वेरिएशन भी आ रहा है तो कहाँ आ रहा है. वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ को समझने की. ये जो वैल्यू आएगी आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये परफेक्टली करेक्ट आंसर है किसी भी क्वेश्चन का. बट एक्चुअली थोड़ा सा वेरिएशन होता है, उस वेरिएशन पे क्वेश्चंस सिर्फ ओलंपियाड या इंटरनेशनल ओलंपियाड लेवल पे ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम उसके अंदर अभी नहीं जा रहे हैं. अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया दिस परफेक्टली कंप्लीटिंग द फेनोमेना कॉन्सेप्ट, तो आपको ध्यान में रखना है. आइए आगे बढ़ते हैं इसी तरह के एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर. पोजी प्लीज़ क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट, हम ऑलमोस्ट इस चेकलिस्ट के एंड में आ चुके हैं इन द टॉपिक ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट और वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी. लास्ट पॉइंट इज चेंज इन वेवलेंथ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वेरी रेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली दिस इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अप. बट मुझे याद नहीं है कि डायरेक्टली नीट में कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया. जेई मेन में कई साल पहले एक बार क्वेश्चन आया था, जेई एडवांस में भी एक या दो बार ही क्वेश्चन आया, बट स्टिल कॉन्सेप्ट यूजफुल है. मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक मिरर है और इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, अ फोटोन इंसिडेंट्स ऑन टू इट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा. तो इसका जो भी मोमेंटम होगा दैट विल बी देयर. और इन द सिचुएशन ये फोटोन आता है और इस मिरर पे इंसिडेंट होता है, और इस मिरर का हम ये मान के चलते हैं जो मास है वो भी गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू एम. तो अगर एक फोटोन आके इंसिडेंट होता है तो इस फोटोन का जो मोमेंटम है ये हमें पता है, इट इज गिवन एज एच बाई लैम्डा. सो एक तरह का कॉलिजन हो रहा है फोटोन और इस मिरर के बीच में. तो यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट होगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोटोन वापस जाएगा. दिस वी कैन राइट एज रिफ्लेक्टेड फोटोन. सो जब ये रिफ्लेक्ट होगा, अगर ये माना जाए कि जो लाइट इंसिडेंट हुई है रिफ्लेक्शन में, इसकी वेवलेंथ सेम है. इफ वी कंसिडर इट इज ऑफ सेम वेवलेंथ. आप ध्यान से समझिएगा, कई जगह आपको यहाँ फील होगा कि बहुत सारे लॉज जो आपने पढ़े हैं वो सारे फेल हो गए, बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना बिकॉज इट इज अ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम फिनोमेना विच हैज टू बी अंडरस्टूड. कि अगर फोटोन उसी वेवलेंथ का है तो आप ये कह सकते हैं कि उसी मोमेंटम से रिफ्लेक्ट होगा जो अब तक हम कई केसेस में लेते हुए हैं. इसका मतलब इस फोटोन की जो इनिशियल एनर्जी थी दैट वॉज एच सी बाई लैम्डा. रिफ्लेक्टेड की वेवलेंथ भी अगर लैम्डा मानी जाए तो इसकी रिफ्लेक्टेड एनर्जी भी एच सी बाई लैम्डा ही होगी. मतलब फोटोन एनर्जी थी उतनी ही रही, लेकिन जब मोमेंटम चेंज हुआ है तो इम्पल्स लगा होगा मिरर पे, तो मिरर कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो भाई गेन करेगा, वीएम. यानी मिरर में एक मोमेंटम आ जाएगा एंड मोमेंटम ऑफ मिरर कैन बी गिवन एज एम वीएम. तो आप ये एम वीएम डिनोट कर सकते हैं कि लाइट के रिफ्लेक्शन से जो मोमेंटम चेंज हुआ वो 2h बाई लैम्डा हुआ, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एम वी एम. की फोटोन रिफ्लेक्शन से जो मोमेंटम इम्पार्ट हुआ, फोटोन का जितना मोमेंटम चेंज हुआ उतना मिरर ने मोमेंटम गेन कर लिया, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, लिया जा सकता है. लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर में एक काइनेटिक एनर्जी भी आ गई है, दैट इज हाफ एम वी एम स्क्वायर. अब बात ये आती है कि आई कहाँ से. फोटोन के पास जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी तो फोटोन वापस लेके चले गया, तो ये एनर्जी क्रिएट हो गई क्या. और अगर हम ये माने कि फोटोन ने मिरर को कोई एनर्जी नहीं दी तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रह सकता, जो होगा नहीं. दैट मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन एंड लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बोथ आर यूनिवर्सल लॉज ऑफ नेचर, दोनों फेल नहीं होंगे. लेकिन आप ध्यान से सोचेंगे तो दोनों में से एक तो फेल होता हुआ दिख ही रहा है, कि अगर मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो एनर्जी क्रिएट हो गई, अगर एनर्जी नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा. तो भाई गड़बड़ कहाँ पे है. गड़बड़ एक्चुअली यहाँ पे है, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स जो अब तक हम पढ़ते आए हैं. गड़बड़ सिर्फ इतनी सी है कि एक्चुअली मोमेंटम कंजर्व होगा
तो ये फोटोन कुछ एनर्जी इस मिरर को देगा जरूर। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो इसकी एनर्जी उतनी नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब इसकी रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ विल बी लेमडा डैश विच विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन द इंसिडेंट वेवलेंथ एंड एनर्जी विल बी लेस देन एच सी बाई लेमडा। यानी रिफ्लेक्टेड फोटोन की एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये कन्फ्यूज हो सकते हैं, भाई सर ने तो ये बताया था फोटोन या तो पूरा एब्जॉर्ब होता है या नहीं होता है, या रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आधा कैसे रिफ्लेक्ट हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा है। इन एनी फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन वी टॉक, तो जो फोटोन रिफ्लेक्ट होते हैं ये नए फोटोन होते हैं जो ये सरफेस एमिट करती है। दीज आर नॉट एग्जैक्टली द फोटोन्स जो इंसिडेंट होते हैं। आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है मोमेंटम और एनर्जी दोनों को कंजर्व रखना है, दोनों ही रहते हैं। द ओनली वे आउट बाय विच इट कैन हैपन इज रिफ्लेक्टेड फोटोन्स की वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी एनर्जी कम होती है, एंड द डिफरेंस ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू मिरर टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, इंसिडेंट मोमेंटम था एच बाई लेमडा, आफ्टर रिफ्लेक्शन मोमेंटम हो गया एम वी एम माइनस एच बाई लेमडा डैश, एंड यू कैन राइट बाय एनर्जी कंजर्वेशन, इंसिडेंट एनर्जी वाज एच सी बाई लेमडा, फाइनल एनर्जी इज एच सी बाई लेमडा डैश प्लस हाफ एम वी एम स्क्वायर। ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो यहाँ से आपके पास लेमडा डैश और वी एम दोनों चीज़ें निकल के आ जाएंगी। इजिली दो इक्वेशंस को सॉल्व करके दोनों वेरिएबल्स यानी रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ और मिरर की वेलोसिटी दोनों निकाली जा सकती हैं। सो दिस द वे हाउ द सिचुएशन इज एनालाइज। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ एनर्जी हमेशा मिरर को दे देता है, चाहे वो मिरर को हीट करने में यूज़ हो, मोशन में यूज़ हो, किसी भी तरह से यूज़ हो। सो ये जो मिनिएचर फिनोमेना है वो थोड़ा सा जो वेरिएशन आता है इसके ऊपर जनरली जेई नीट में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ओलंपियाड लेवल पे पूछे जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है इसलिए मैंने ले लिया है ताकि हम कंक्लूजन पे एंड में कोई चीज़ गैप की तरह से ना छोड़ दें। Almost everything has been covered in this topic of dual nature of light or matter waves. Next checklist में हम separately ले रहे हैं X-ray, बहुत छोटी सी checklist है, although हम इसी का part मान सकते हैं जो introductory video में मैंने बताया था, but this is important कि हम यहाँ पर इस checklist को complete करें और आगे बढ़ें। आप लोग भी it is better कि previous at least 15-18 years के questions को thoroughly short notes या checklist form में compile कर लीजिए और इस पूरी चेकलिस्ट से मैप कर लीजिए, एंड यू विल गेन कॉन्फिडेंस दैट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो अब तक कभी जेईई नीट में पूछा गया है या पूछा जा सकता है हम इस चेकलिस्ट में कवर कर चुके हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।